आखिर हिमालय का रामायण, महाभारत और हमारे सनातन धर्म से क्या रिश्ता है, ये इस खास वीडियो में आपको पता चलेगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं दावाक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस हम आपके लिए रोजाना लाते रहें। हिमालय में आज भी हजारों ऐसे स्थान हैं जिनको देवी देवताओं और तपस्वियों के रहने का स्थान माना गया है। हिमालय में जैन, बौद्ध धर्म, हिंदू संतों के प्राचीन मठ और गुफाएं भी हैं। मान्यता है कि गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि महाभारत और रामायण काल के लोग आज भी हिमालय में क्यों रहते हैं। भारत का प्रारंभिक इतिहास हिमालय से जुड़ा है। भारत के राज्य जम्मू कश्मीर, सियाचिन, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश हिमालय का विस्तार है। इसके अलावा उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल और भूटान देश हिमालय के ही हिस्से हैं। ये भी अखंड भारत का हिस्सा था। अब बात करते हैं रामायण काल के लोगों की। सबसे पहले है अत्रि। अत्रि नाम के कई ऋषि हो गए हैं। एक है ब्रह्मा के पुत्र अत्रि। इन्होंने कदम की पुत्री अनुसुया से विवाह किया था। इसके बाद पुत्र दुत्रायम, चंद्रमा और दुर्वासा थे। कहते हैं ये आज भी हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं। दूसरे थे ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा का नाम सभी ने सुना होगा। उन्होंने सतयुग में इंद्र को भी श्राप दिया था। कहते हैं कि वे सशरीर आज भी जिंदा है और हिमालय के किसी क्षेत्र में है। वशिष्ठ नाम के कालांतर में कई ऋषि हो गए। कहते हैं ये भी वेद व्यास की तरह वशिष्ठ एक पद हुआ करता था, लेकिन कहा जाता है कि ब्रह्मा के वह पुत्र थे जो आज भी जीवित है और हर काल में प्रकट होते हैं। उनका स्थान हिमालय के किसी क्षेत्र में बताया जाता है, जहां से वह पूरे विश्व की निगरानी करते हैं। जामवंत। परशुराम और हनुमान जी से भी लंबी उम्र है जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था और वह आज तक जिंदा है। कहते हैं हिमालय किसी गुफा में वे आज भी तपस्या कर रहे हैं और कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही हैं परशुराम, मार्कंडेय, भगवान हनुमान, विभीषण, ये सभी रामायण काल के हैं। अब बात करते हैं महाभारत काल के लोगों की। उनमें है ऋषि व्यास जी। वेद के चार भाग करने के कारण कृष्ण द्वैपायन ऋषि को वेद व्यास कहा जाने लगा। अगले हैं कृपाचार्य जी। गौतम ऋषि के पुत्र शरदान और शरद्वार के पुत्र कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कौरव की ओर से लड़े थे और वह आज भी जिंदा बच गए। दोस्तों ये लोग दरअसल हिमालय में क्यों रहते हैं, हिमालय में आखिर ऐसा क्या है। दरअसल दोस्तों हिमालय क्षेत्र में प्रकृति के सैकड़ों चमत्कार देखने को मिलते हैं। एक और जहां सुंदर और अद्भुत झीलें हैं, तो दूसरी ओर हजारों फुट ऊंचे हिमखंड। हजारों किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हिमालय चमत्कारों की खदान है। यहां आपको सिर्फ और सिर्फ शांति मिलेगी, शहरों की तरह भीड़ भाड़ या शोर शराबा नहीं। कहते हैं हिमालय की वादियों में रहने वालों को कभी दमा, टीवी, गठिया, समदा, कुष्ठ रोग, चर्मयोग, आमद, अस्थि रोग, नेत्र रोग जैसी बीमारियां नहीं होती और हिमालय में सिर्फ और सिर्फ तपस्वी लोग ही रह सकते हैं। कहते हैं दुनिया भर की जड़ी बूटियों का भंडार हिमालय में ही है। हिमालय ही पूरी तरह से देखा जाए तो हमारे पूरी पृथ्वी का मुख्य केंद्र माना जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये खास जानकारियां, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इन वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।